तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी लोग? आई होप बढ़िया ही होगे। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने डेली जो शूटिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज मैं सोचा, छुट्टी थी और ग्राउंड में देख सकते हो कोई भी नहीं आया हुआ, तो मैं सोच रहा था कि आज इसके ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। और अभी चलते हैं, वो अंकल आ रहे हैं, इनके पास चाबी है और चाबी लेके आते हैं। तो अपना रूम खोलते हैं, फिर उसके बाद इक्विपमेंट निकाल के दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ हम इक्विपमेंट रखते हैं, कहाँ मतलब प्रैक्टिस करते हैं। और मैं अभी घर पे था, कल ही घर से वापस आया हूँ। मैं और प्रशांत घर गए हुए थे, तो कल ही वापस आए हैं। तो बहुत दिनों की छुट्टी हो गई थी और प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई थी, तो फिर सोचा कि आज प्रैक्टिस कर लेता हूँ और फिर थोड़ी रिदम भी आ जाएगी शूटिंग की, तो इसलिए आज आ गया था। वरना छुट्टी में ज़्यादातर रेस्ट ही होता है, क्योंकि एक दिन का रेस्ट लेना ज़रूरी है, पर अभी काफ़ी दिनों से बहुत दिन का रेस्ट हो गया था, तो सोचा कि आज शूटिंग करते हैं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आज टाइम मिला है, वरना फिर तो टाइम मिलता नहीं है। जब तक वो अंकल आ रहे हैं, जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग शूटिंग कहाँ से करते हैं। और ये जो एरिया है, यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, और यहाँ पर हमारी जिम है, और मतलब एक ऑफिस है जहाँ पर सब बच्चे मतलब बैठ सकते हैं प्रैक्टिस के बाद। एसी वगैरह सब लगा हुआ है, और मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ये पीछे आप देख रहे हो, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए टारगेट रखे हुए हैं, और पंखे वगैरह सब लगे हुए हैं, सब बच्चों की अच्छे से वो है, क्योंकि इधर कोलकाता में गर्मी बहुत है। ये तीन रेंज हैं इधर से उधर तक, तीन शेड लगे हुए हैं, और ये सारे टारगेट। अभी टारगेट कम है क्योंकि बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही है, तो बच्चे उस पर कम ही उस पर चला रहे हैं। ये है ऐसा, और अभी निकालते हैं धनुष, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद चाबी आ गई है, अब खोलते हैं गेट और निकालते हैं अपना धनुष। दिखाता हूँ आपको, तीन कैटेगरी के धनुष होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तीनों अंदर रखे हुए हैं। गेट खोलते हैं, तीन कैटेगरी। ये वाला जो है ये इंडियन राउंड है, ये वाला रिकर्व है, और ये जो रखे हुए हैं ये है कंपाउंड, और ये स्कोप वगैरह रखे हुए हैं, और मेरा रिकर्व है ये रखा हुआ, ये वाला। ये निकालते हैं और करते हैं प्रैक्टिस थोड़ी देर शॉर्ट डिस्टेंस चला के। धनुष ले लिया है, और ये रहा मेरा रिकर्व। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर थोड़ी देर शॉर्ट डिस्टेंस चलाते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस चलाने के बाद फिर 70 चलेंगे। ये थेरा बैंड है, ये डिकैथलॉन से मिल जाती है, अगर आप लेना चाहो एक्सरसाइज के लिए अच्छी है। वैसे क्यूबर है जिसमें हम लोग एरो रखते हैं, पहनते हैं और फिर शूटिंग चालू करते हैं। ये आर्म गार्ड जो आर्चरी करते उनको नहीं पता होगा, ये हाथ के सेफ्टी के लिए है, अगर गलती से स्ट्रिंग वगैरह लगे तो इधर लगती है, तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए होता है। फिर सेकंड ये चेस्ट गार्ड, सीलिंग होती है वो को पकड़, मतलब हम हाथ से नहीं पकड़ सकते, ग्रिप रिलैक्स होनी चाहिए, तो फिर वो जंप करता है आएगी साइड, अभी दिखाऊंगा आपको, तो फिर उसके लिए सीलिंग पहननी होती है। ये सीलिंग है, ये इधर पहननी है, अभी शॉर्ट डिस्टेंस चला रहा हूँ, शॉर्ट डिस्टेंस चलाने के बाद फिर लॉन्ग जाएंगे।
मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हम लोग प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्रैक्टिस कहाँ करनी है। तो मैं इधर कोलकाता में कर रहा हूँ, DRB आर्चरी ग्राउंड है और ये राहुल सर का है, ओलंपियन है। तो वो अपना इधर ग्राउंड खोल रहे हैं, मतलब हॉस्टल वाले बच्चे जितने भी बाहर से आना चाहते हैं प्रैक्टिस करने, अभी तो इधर से लोकल ही हैं और जो बाहर से आना चाहते हैं वो लोग इधर आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं। जो बच्चे छोटे हैं, सब जूनियर, मिनी सब जूनियर, सीनियर तक जो भी है, वो लोग आके इधर अपना हॉस्टल में रह सकते हैं। और जो भी डिटेल्स चाहिए आप उनके अकाउंट पे आके मतलब पूछ सकते हो, और नंबर होगा मैं इधर नीचे दे दूंगा और उनका अकाउंट भी आपको नीचे दे दूंगा। जो 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 आना चाहता है वो आ सकता है इधर प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मैं भी इधर आके उनके हॉस्टल में रह रहा हूँ और शॉर्ट डिस्टेंस चला लिया है, अब अंदर चलते हैं, मतलब पोर्टल भी बढ़ते हैं और फिर अंदर से फेस निकाल के लाना है 70 मीटर के लिए। तो जाके 70 मीटर शूट करते हैं, थोड़ी देर आपको दिखाता हूँ 70 मीटर शूट करके। 70 मीटर चलते हैं, फेस लगाते हैं। धूप भाई इतनी तेज़ हो रही है ना आज, तो बिना छाते के काम नहीं चलेगा, बिना छाते के चला तो पूरा आज ही आज मैं फूक जाऊँगा। टेढ़ा हो रखा है, इसको सीधा करेंगे फिर चलाएंगे 70 मीटर बहुत दिन बाद। टारगेट सेट कर दिया है, अब चलते हैं उधर से चलाते हैं, अपनी शूटिंग चालू करते हैं। आप देखो अब 70 मीटर चला रहा हूँ, साइड वगैरह सब एडजस्ट हो गई है, बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ, लग रहा है सब चीज़ बढ़िया चल रही है। वैसे कोई वैसे दिक्कत नहीं है, पर सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों की इक्विपमेंट की है। इक्विपमेंट बहुत महंगा आता है, हर महीने हर साल में एरो चेंज करने होते हैं, एरो ही एक्सटेंड हो गए तो 40,000 से नीचे नहीं आता, तो उसकी बस थोड़ी दिक्कत है। मेरे काफ़ी पुराने हो गए हैं, 1.5 साल हो गया है, तो कम से कम अब कॉम्पिटिशन आएगा तो चेंज करूँगा। और आप लोग ये देख रहे हो ना धनुष, ये पूरा कम से कम 3 लाख का आता है और कंपाउंड भी इतने का ही आता है, पर इंडियन राउंड वो बिगनरों के लिए है, वो सस्ता आता है। इसलिए भाई आपको पूरा अच्छा सेटअप बनाना है रिकर्व का या कंपाउंड का भी, तो वो 2.5 से 3 लाख का आपको बिल्कुल नया पड़ेगा। और अगर सेकेंड हैंड लेना है, सेकेंड हैंड आपको 1.5-2 लाख, 2.20 तक का पड़ जाएगा। पर एरो आपको बार बार चेंज करने पड़ेंगे हर 5 महीने 6 महीने में, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, वरना अगर एरो नहीं है अच्छे तो स्कोर नहीं आएगा, बहुत ही मुश्किल है अगर आ जाए तो। और स्कोर आना ज़रूरी है, अगर स्कोर नहीं आएगा तो फिर कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा बस। और आप अगर अच्छी मेहनत करोगे और आपके पास अच्छा कोच है तो आपका स्कोर बहुत जल्दी आएगा, पर अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी, सब कोच नहीं करेगा। कोच का हाथ होता है पर इतना भी नहीं, पर मेहनत वो आपको बता सकता है, पर मेहनत आपको अपने आप करनी पड़ेगी। दिन रात लगे रहो, तीर चलाते रहो, जितने तीर चलाओगे उतना अच्छा बॉडी में आपके आएगा शूटिंग, क्योंकि आर्चरी में ऐसा है कि टाइम मांगेगा, आर्चरी का कोई भी गेम हो उसमें आपको टाइम तो लगेगा। और आज हमारे अंकित भाई, राम राम भाई, उनका 75 हार्ड डे चैलेंज कंप्लीट हो गया है, अभी मैंने देखा उनने रील डाली थी, बड़ा बढ़िया लग रहा है। लास्ट हैंड हो गया है, अब फिर इसके बाद बोर्ड ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा लगा है ग्रुप, इतना ही खास नहीं है, बेकार ही है, एरो ख़राब हो गए ना उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, कि शॉर्ट सही निकल रहे हैं पर एरो में थोड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका टारगेट ढकते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि वो की एक्सरसाइज कौन कौन सी होती हैं। स्टार्ट करते हैं, आपको फिंगर टिप ले लेनी है, सब उतार देना अपने, मतलब जो भी आपने पहन रखा था, आर्म गार्ड, चेस्ट गार्ड, क्यूबर, सब उतार देना। और फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपको 3-3 सेकेंड ऐसे 3 सेकेंड होल्ड करके आपको 20 बार करना है, और फिर 20 बार करने के बाद फिर एक्सरसाइज चेंज करेंगे। ये दिखने में आसान लग रहा होगा पर भाई बहुत हार्ड है।
10 सेकंड या 20 सेकंड का रेस्ट लेना और थोड़ा सा शोल्डर्स को मूव कर लेना, हिला लेना, रिलैक्स हो जाना। उसके बाद अब दूसरी एक्सरसाइज चालू करेंगे। दूसरी है सिंपल, वो सेम करना है, मतलब एंकर लिया और ऐसे आपको 30 बार करना है। स्टार्टिंग है तो 15, 20 ऐसे करो। पर उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद फिर थर्ड करेंगे, वही 20 सेकंड का रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद फिर एक्सरसाइज चेंज। दूसरी एक्सरसाइज है ये भी आपको 30 बार करनी है लगातार, मतलब पूरा आगे ले गए फिर पूरा बैक, पूरा आगे ले गए फिर पूरा बैक, ऐसे ही आपको 30 बार करो। ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद फिर दोबारा रेस्ट। और ये सारी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक बो कंट्रोल में नहीं होगा तो जब तक अच्छी शूटिंग नहीं होगी, और बो कंट्रोल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बो ड्रॉ सबसे ज़्यादा करो और रनिंग भी काफ़ी करो, मतलब एक्सरसाइजेज ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन के टाइम पे हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रनिंग से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अब दूसरी एक्सरसाइज है, इसके आपको 20 बार करना है ऐसे। ये वाली एक्सरसाइज हो गई। अब इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज चेंज करेंगे। रेस्ट ले के, रेस्ट ले लिया है मैंने। अब उसके बाद है हमको 1 मिनट बो होल्ड करना है। अगर सबका 1 मिनट बो होल्ड हो रहा है, 40 से 1 मिनट के बीच में हो रहा है तो ठीक है, पर उससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप आगे मतलब अच्छे हो गए हो, वो अच्छा कंट्रोल में, तो 1 मिनट तो होना ही होना चाहिए। और उससे ऊपर कर सकते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और आज की हो गई है, धनुष रखते हैं और फिर चलते हैं रूम पे, खाना वगैरह खाते हैं। आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करता हूँ क्योंकि शाम को मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मुश्किल ही करूँगा, फिर कल करूँगा प्रैक्टिस। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और काफ़ी टाइम बाद आज व्लॉग बनाया था तो देख लो पूरा व्लॉग, छोटा ही है व्लॉग, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जिसने मतलब बोला था कि भैया अपना मतलब डेली जो आप करते हो उसकी हमको बता देना, तो जिम नहीं है आज, जिम बंद है। और वैसे सर नहीं है तो सर के बिना मैं करता नहीं हूँ क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह गलत करता हूँ तो बता देते हैं। और आप आज की मेहनत देखो, मेहनत क्या, डेली की मेहनत देखो, ये ट्रेनिंग बिल्कुल अलग, ऊपर का गोरा नीचे का काला।